Welcome to Big Boss का grand finale, finale, finale. Blockbuster grand finale का हो चुका है आगाज. ऐसा लग रहा है फिनाले में पहुंच गए भैया. बहुत अच्छा है. लेकिन जो भी एक सच्ची बात है, बहुत कमाल की जर्नी रही है यार. थैंक यू. मेरी, मैं कल ही अमेरिका से आया हूं, उसकी बात कर रहा था. लेकिन आप लोगों की जर्नी के लिए जोरदार तालियां. फैंटास्टिक. तो अभी कुछ ही घंटे बचे हैं. थोड़ा हो रहा है ऐसा अंदर से होता है, थोड़ा गुदगुली गुदगुली अंदर होती है. हां मतलब थोड़ा नहीं, बटरफ्लाईज आ रही है. एक मिनट आज क्या हो गया? मतलब मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ, प्रियंका बीच में नहीं आ रही है. कुछ बोल नहीं रही है प्रियंका बीच में. नहीं तो किसी और को क्वेश्चन जाता था, सबसे पहले इन्हीं का आंसर आता था. क्योंकि है ये मेरे टांग अड़ाने का टैग. ये है ना प्रियंका. ये आई प्रियंका. ये है प्रियंका के लिए जोरदार तालियां हो जाए. वाह वाह. एक चीज है शिव, मैंने देखा कि इतने महीनों में बिग बॉस ने ना सबकी मन की इच्छाएं पूरी की है, लेकिन सिर्फ आपकी एक मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई. कुछ मुझे आप हमेशा कहते थे मन की इच्छा थी कि तन की इच्छा थी, मुझे समझ नहीं. हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे आज. बस आपको आंखें बंद करनी है और एक गाना गाना है. पिया तू अब तू आ जा. पिया तू अब तू आ जा. पिया आंखें नहीं खुलनी चाहिए. आ जा आंखें बंद और गाते रहो. बस गाते रहो. आए हाय. ओपन करूं क्या? धीरे से खोलना. अरे छोड़ा, छोड़ा, ये क्या कर रहा है? अरे छोड़ा फिर कब से. अब आप लोग हो जाइए फ्रीज. लाल हरा पीला. मेरा जान अब्दू बेटा. अब्दू कम यार. अब्दू अरे क्या बात है. आइए 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 आइए. वाह. इसके लिए हमें भी मिल लो, हमें भी मिल लो. गोरी अच्छा लग रहा है. कैसी हो तुम? I so wanted to be beside you those 2 weeks. I swear. One more day, man. One more day. सभी घर वालों का हार्दिक स्वागत है. कृष्णा. हाँ जी भारती. देखो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट सारे बैठे हमारे सामने. बिल्कुल. आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे ना एक्चुअली विकास और अर्चना बहुत अच्छे लगते हैं भारती. क्यों? कलर सेम कपड़ों का है वैसे? वैसे आप नेता बनना चाहती है ना? है ना? हर नेता जो है विकास की बात करता है साजिद भैया. ये पहली नेता है जो विकास से बात करना पसंद नहीं करता. ये अच्छा था ना? अच्छा था. अच्छा था. लेकिन मुझे भारती जी आप बताइए. मैंने एमसी को भी बोला कि मेरे को एमसी स्टैंड बहुत पसंद है, क्योंकि जो इधर वही इधर होता है. इस बंदे ने गेम में इतने वेरिएशन नहीं दिखाए. हाँ. इतने हेयर स्टाइल में दिखाए. सच में कभी खुले कभी ऐसे कभी वैसे. भाई फैन हो गई तुम्हारी. लेकिन एक बार श्री जीता के लिए जोरदार तालियां हो. क्यों श्री जीता के लिए? श्री जीता पूरे 10 मिनट हो गए, आप अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई. अभी तक तो हो जाना चाहिए था. श्री जीता के लिए कुछ ना मत बोलो, मेरे को इसका भाई लगता है. क्यों क्या क्या? अभी खुलेगा उधर से आंटी आएगी. एकला चलो लेकिन एक बात बताऊं मैं, हमारा जो अंकित है ना वो एकदम पेपर की तरह है. पेपर की तरह? पेपर की तरह. ऐसे दबा के रखती वो फड़फड़ा. म्यूजिक. जाल से बोल्ट छूने से तेरे
बात बता, ये म्यूजिकल चेयर है, आपने मुझे फेरे ले रहा था। मुझे पता आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी, जब आपकी बुआ से शादी होगी तो इनमें से किसको नहीं बुलाओगे आप? इधर की सब गैंग को नहीं बुलाऊंगा। बट ऐसा वैसे हम अपना स्टैंड जो है बस्ती का हस्ती है भारती, तो आज हम इनको एक डेंचर देंगे, डेंचर पहन के आपको रैप किया है वो चैन। अरे यार ये यार ये बहुत मजा आएगा भाई, ये खा मत जाना भाई। चैन इसे क्या रैप करने गए ले। बात है ऐसे दांत है बता ऐसे त्रिकोणे। चल भाई वस्ती का हस्ती है मेरे को तो ये लग रहा कि मेरे को कह रहा है मोटी काय को हस्ती रे, ऐसे लग रहा था। आज पहली बार मैंने देखा कि शिव मंडली के बिना नहीं खेल पाया यार। शिव ऐसे क्यों? ये देखो इसे कहते हैं असली नेता, आखिर इसने कुर्सी ले ली। क्या बात है, कुर्सी तो तुमने खा दी स्टार्टिंग से मेरी। अब मैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से बात करना चाहूंगा, जो भी फेवरेट बनना चाहता हूँ मेरा 5,000 रुपया मुझे दो, मैं उसको फेवरेट बना लूंगा। नहीं हम ऐसा करते हैं। खैर फेवरेट से याद आया, मेरा फेवरेट है अंकित। और अंकित कैसे हो बेटे? अंकित बाहर जाके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं आपकी तरफ से वही बोलती है, उन्हीं को बोलने से। कैसा लगा बेटे बाहर जाके? वो गई नहीं ना बाहर, उसे पता नहीं कैसा लगा। नहीं नहीं आप हो ही नहीं मेरे लिए अंकित, अंकित यही है। इसे बाहर जाके बहुत चिल किया होगा इसने पता मेरे बिना। मजा आया बाहर जाके? बहुत मजे आया। क्या क्या तारीफें की लोगों ने? बता दूंगा तो बिग बॉस बुरा मान जाएंगे। क्या हुआ, जलने की वो आ रही है क्या? नहीं ये शेमड़ी। ये क्या है? आई फील यू ब्रो, आई कैन एक्चुअली स्मेल यू। क्या रावस खाया था सुबह? लेकिन एक बात है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, श्री जीता जो है बिग बॉस के मेकर्स के साथ इनकी पक्का कोई साठ गांठ है। अरे जब मन होता है चली जाती हैं, जब मन होता है बाहर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, अभी फिर आ गई, फिर बाहर, फिर कहीं। वाइल्ड कार्ड में एंट्री थी सर? वाइल्ड कार्ड में नहीं, चाइल्ड कार्ड में इनकी एंट्री हुई है यहाँ पे। आपको बताए साजिद जी, इनसे ज्यादा तो बच्चे जो होते हैं ना नानी के घर पे छुट्टियां मनाते हैं, इतनी देर ये यहाँ पर बिग बॉस के घर में रही है। वेरी गुड सर, आप ऐसे कह रहे हैं कि ये इतने दिन रही, इतने दिन नहीं रही, आती जाती रहती, मतलब आपने शो सारा देखा है? कैसी बातें कर रही है यार, डेफिनेटली शो देखता हूँ, सुपर हिट है ये लोग बिल्कुल। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा खेला, बहुत एंटरटेन किया है, तो चलिए आइए कुछ ही देर में इंडिया को अपना विनर मिल जाएगा। आ गई है आपके फैसले की रात, आपके फरमान की रात, यानी के बिग बॉस के इस बेहद कामयाब सीजन की रात, ओनली नॉट रात, फिनाले की रात। तो ये खुशी के पल लाइक ऑब्वियसली गम में बदलेंगे जब आप टॉप 5 में से अब कोई एक घर से बेघर होगा, और ये कोई सीधे सादे तरीके से नहीं होगा, ये होगा बिग बॉस स्टाइल। सो बिग बॉस ओवर टू यू। शुक्रिया सलमान। यू आर वेलकम बिग बॉस, डू अ ग्रेट जॉब। कहते हैं एक चीज अगर बार बार की जाए तो वो आदत बन जाती है। ये सीजन अनोखा था, इस बार मैं भी खेल रहा था। इस सीजन में हर चीज, हर कार्य, हर प्रक्रिया, यहां तक कि हर बात तब तक अधूरी रही जब तक मैंने उसके बीच में आकर अपनी टांग नहीं अड़ाई। तो आज आखिरी दिन पर मैं भला आपको कैसे छोड़ दूं?
अब वक्त आ गया है 5 से 4 होने का। लेकिन ये खेल सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आज साथ में दांव पर होगा आपका प्राइस मनी भी। आपका प्राइस मनी है फिलहाल 21,80,000। अब मैं आपको मौका दे रहा हूं ये प्राइस मनी बढ़ाने का। अब मैं चाहता हूं कि आप आपस में बातचीत कर आपसी सहमति से मुझे उस एक सदस्य का नाम बताएं जो आपके मुताबिक आप 5 में से नंबर 5 पर है। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप आपसी सहमति से मुझे उस एक सदस्य का नाम बताएं जो आपके मुताबिक आप सब में से 5वें और आखिरी नंबर पर है और जिसे अभी इसी वक्त इस घर से बेघर होना होगा ताकि हमको इस सीजन के टॉप 4 मिल जाएं और फिर हम उन चारों के साथ ट्रॉफी की इस रेस को आगे बढ़ाएं। समझ गए ना मेरे प्यारे घर वालों? तो चलिए अब आप आपस में बातचीत शुरू कर सकते हैं। शिव तुम बताओ फिर। मुझे लगता है कि शाली, क्योंकि उसकी चीजें हमें नहीं, मतलब जितने वीकेंड के बाहर या बाकी चीजें हुई तो रियल नहीं लगी, तो इसीलिए मुझे शालीन लगता है। ऐसा तेरे को लगता है? ऐसे मुझे ऑडियंस को लगता है कि नहीं लगता है अपने को? हमें नहीं पता हमें कैसे होगा इसका। सिर्फ मुझे लगा कि वो दोस्ती हो तो थोड़ा फेक था या फिर वो रियल नहीं था, तो इसीलिए मुझे शालीन लगता है। मेरे हिसाब से शालीन भाई लगते मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक की जो मात्रा में जो लोग है ना जो तुमको चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो थोड़ी वो सब चीज़ें भूल जाते। मतलब मेरे को भी सबके लिए ऐसा, अर्चना के लिए, सब लोग के लिए ऐसा रहेगा, वो चीज़ें भूल के वो अच्छी चीज़ों पे ध्यान देते अपने चाहने वाले लोग। तो मात्रा का, मात्रा की बात है इधर की, कितने मात्रा में लोग पसंद करते वो अपने को समझ के करने का। मेरे सबसे शालीन भाई, शालीन अब तुम्हारा? मेरे लिए अर्चना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया इन्होंने, लेकिन जैसा जब जब बाहर से लोग भी आए थे और उन्होंने बोला कि एक टाइम तक वो एंटरटेन कर रही थी लेकिन फिर वो इरिटेटिंग होने लग गया। एंटरटेनमेंट साइड एक है उनका, लेकिन उसके अलावा जो परेशान करने वाला साइड था या जो शिव को मारा उस साइड में, आई डोंट थिंक कि पब्लिक ने उसको सही तरीके से लिया। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन सही तरीके से बोला भी था। हाँ, ये पूरी जनता, भारत की जनता, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम आप हो गए। अर्चना, प्रियंका, ओके सो फॉर मी आई गेस शालीन। आई थिंक इतना ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे शालीन से, वाई बिकॉज एक्चुअल में शालीन है कौन, हम उसकी पर्सनैलिटी को अभी तक जान ही नहीं पाए हैं कि वो कभी स्वीट होता है कभी अचानक से अलग हो जाता है, तो हम लोग इतने कन्फ्यूज हैं। तो आई थिंक बाहर भी कुछ ऐसा ही होगा। सो फॉर मी अगर आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो किसी पर्सनैलिटी से तो मे बी शालीन। मेरा क्या है, मुझे भी शालीन लगता है। ठीक है, शालीन क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक उसको समझ में नहीं आया है कि वो क्या है, वो क्या करना चाहता है। मतलब शालीन को आगे जाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो दोस्ती हो, दोस्ती के नाम पे सुम्बुल हो या सुम्बुल टीना हो या उन चीज़ों को छोड़ के चिकन तो वो लोग यहाँ पे होते हैं, मैं बाहर होता। क्या आपके पास आपका फैसला मौजूद है? जी, बिग बॉस 4 वोट शालीन को। हमने कहा तो आपसी सहमति था, लेकिन शालीन के अलावा बाकी सभी सदस्यों ने शालीन का ही नाम लिया है। जी बिग बॉस, तो क्या हम इसे घर का फैसला मान सकते हैं? जी बिग बॉस। हाँ जी बिग बॉस, शालीन ने भी उसमें हामी भरी है, तो इसका मतलब यह होता है कि आप घर वालों के अनुसार शालीन आप सब में से 5वें नंबर पर हैं। दर्शकों का फैसला मुझे पता है, लेकिन जब सलमान यहां मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि सलमान ही वो फैसला बताएं। Over to you, Salman. All right, Big Boss. Taking over right now. तो आप सभी लोगों ने नाम लिया है शालीन का। शालीन? Yes, sir. ये गेम अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट का गेम है ये। Yes, sir. अब ये शायद आपके लिए फॉर्चुनेट होगा या अनफॉर्चुनेट होगा, ये आपको नाम सुनने के बाद ही पता चलेगा। और नाम है शालीन भनोट। आप लोगों ने जो नाम दिया है वो करेक्ट दिया है।
तो शालीन भनोत हो जाते हैं विनर की रेस से बाहर और आप लोगों की प्राइज मनी बढ़कर हो जाती है 31,80,000। आइए शालीन, तो हर सीजन में कई सारी कहानियां होती हैं, इस बार भी थी, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा उभर कर नजर आई, मंडली वर्सेस बाकियों की कहानी। मंडली में प्यार का रंग चढ़ा हुआ था और बाकियों में ऊंची आवाज, बनते रिश्ते, टूटते रिश्ते, मजनूपना, गुस्सा, दुश्मनी, ये सारे रंग देखने को मिले। और आज भी ये कहानी खत्म नहीं, हमारे सामने दो फाइनलिस्ट मंडली से हैं और दो बाकियों में से। आपको क्या लगता है कोई मंडली वाला जीतेगा? हक से मंडली, हक से मंडली, हक से प्रियंका, मंडली, नो मंडली, हक से मंडली, मंडली, प्रियंका, प्रियंका, शिव स्टैन, शिव स्टैन, शिव स्टैन, शिव स्टैन, मंडली। तो ये तो जब आओगे तो वक्त ही बताएगा। तो आप सभी फाइनलिस्ट को लग रहा होगा कि सनी बाजी यहाँ पर आए हैं आपको सिर्फ पंप अप करने के लिए, बट ये कुछ और भी करने आए। पाजी, सब में से सबके पास आप लोगों के लिए एक एक पंप होगा। नहीं, पंप के पास जाके आप खड़े हो जाइए, एक्टिविटी एरिया में। ओके, राइट, आप लोग अपने जहाँ जहाँ आपका नाम लिखा है उसी हैंड पंप के पीछे खड़े हैं। जी जी जी, जी। अभी इस हैंड पंप को उखाड़ना होगा, गदर की तरह नहीं, दो दो करके जिसका नाम लेंगे वो उखाड़ेगा, और उखाड़ने के बाद उसके नीचे आपकी तकदीर लिखी होगी, पता चलेगा कि आप सेफ हो या अनसेफ हो। अच्छा, एक अनसेफ होगा। That's right. यानी कि घर से निकल जाओगे, इधर आ बैठ जाओगे यहाँ पर। ओह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, गुड लक गाइस। और सबसे पहले नाम है शिव। ओह शिव, बेस्ट ऑफ लक शिव। थैंक यू शिव, गुड लक शिव। गणपति बप्पा मोरिया। ये नीचे का नीचे लिखा हुआ है सेफ। शिव, बधाइयां, आप पहुंच गए हो अब हमारे टॉप थ्री में। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्रियंका। ओह प्रियंका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Congratulations, Priyanka. Thank you, sir. अब आप भी पहुंच गई हो टॉप थ्री में। अब तीसरा कौन पहुंचता है वहां पर, ये हम जानेंगे कुछ ही देर में। अब मैं 1, 2, 3 बोलूंगा और आप दोनों एक साथ पंप उठाओ। ओके, 1, 2, 3। Best of luck, MC. Best of luck, Archana. Shit. Shit. Congrats. Very well played, Archana. बहुत अच्छा लगा आपको इस घर में देख करके। आ जाइए यहाँ पर। अब आ गई सीजन की वो आखिरी मुश्किल घड़ी, जब कोई एक सदस्य घर से बेघर होगा, क्योंकि अब बचे हुए तीन फाइनलिस्ट में से किसी एक को सबसे कम वोट मिले हैं। तो मैं उनका नाम लूंगा जिनको आप तीनों में से सबसे कम वोट मिले हैं, और मैं इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि ये टाइम नहीं है। आई नो इसमें कोई खिलवाड़, कोई मजाक नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने
दिल दिमाग जिगर जहां सब यहां पर लगा दिया. यू गिवन इट योर बेस्ट 19 वीक्स. सो आप तीनों में से जो विनर की रेस से आउट होने जा रहे हैं उनका नाम है प्रियंका चार चौधरी. जी सर. आ जाइए. ऑल द बेस्ट गाइस. चलो खाने भी ध्यान रखना. गॉड ब्लेस यू ब्रो. आ रही हो? आ जाइए आ जाइए आ जाइए. सोचो मत. आ जा. अरे नहीं 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 सुनना. अरे कैश यू. अरे दिस इज मैं उल्टा उल्टा. जो भी जीते गुड विशेस टू बोथ ऑफ यू. ठीक है चलो. मेरा ना सामान वहाँ रखा. मैं तो बोल ही नहीं. मेरा दो मैं तो कहाँ से रखेगा. अरे नहीं यार पागल है क्या. ये घर के बाहर कदम रखा और सारे गिले शिकवे मुझे पता नहीं है अभी मेरे बारे में. जैसी स्ट्रॉन्ग गर्ल मैंने फुल एंजॉय किया तेरे साथ. बाय 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 खुदा हाफिज़. चेन I don't know के आप लोगों ने इसमें अनबिलीवेबल क्या देखा. है अनबिलीवेबल बट आई डोंट नो क्या चीज अनबिलीवेबल देखी आपने. मैंने एक अनबिलीवेबल चीज देखी है इज हाउ प्रियंका हैज रिएक्टेड टू शी बींग आउट ऑफ द हाउस कमिंग सो क्लोज. एवरी वन थॉट दैट प्रियंका इज गोइंग टू विन बिग बॉस सीजन 16. सब मेरे खुद के दोस्त बाहर वाले माय पेरेंट्स माय एवरीवन उसको तो शायद पता नहीं होगा लेकिन हमें पता है कि ऐसा लग रहा था कि प्रियंका इज गोइंग टू विन बिग बॉस सीजन 16. इतनी मेहनत करने के बाद अकेली खड़ी होने के बाद हर एक से लड़ने के बाद साथ छूटने के बाद हर चीजों के बाद स्टैंडिंग अप अगेंस्ट 15, 16 पीपल एट ऑल गिवन टाइम हर चीज के बाद ये लड़की स्माइल करते हुए घर से निकली है. मेरे नजर में विनर ये है. चलो सीरियसली एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोज टू एमसी स्टैन. Congratulations, MC. Haksa Mandli, bro. Mandli, bro. Mandli jeeti, bro. Aaja mere saath. Ab ja idhar baith. Ye thoda chupta hai. सर सही में भारी है लाइव भारी.